नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक वक्ता के रूप में बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा आपसे ध्यान के संदर्भ में कि ध्यान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ध्यान वास्तव में होता क्या है। इस छोटी सी यात्रा में जो मैंने समझा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ध्यान वो है जिसमें आपको कोई सुध ना हो, अनगिनत विचार जो प्रतिपल हमारे मस्तिष्क से होकर गुजर रहे हैं, उन्हें समझ पाना, उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। जब घंटों, महीनों, सालों कोई ध्यान में बैठता है, शांत होकर बैठता है, उनमें से अगर कोई एक क्षण भी, या मैं ये कहूँ कि सेकंड का कोई हजारवा हिस्सा भी हमें क्लिक कर जाए, हम शांत हो पाए, वही ध्यान है। जिस तरह कई वाट की बहती हुई बिजली के तार को यदि सेकंड के कुछ पलों के लिए भी टच कर लिया जाए तो बहुत जोर का झटका लगता है, ठीक ऐसा ही है ये ध्यान। ध्यान करने के लिए जो मैंने सबसे उपयुक्त समझा वो ये है कि आप कहीं शांत होकर बैठें, शोरगुल की चिंता मत करिए, शोरगुल कभी बंद नहीं होगा। आप जहाँ पर भी हैं, भीड़ में हों, अकेले हों, कहीं पर भी हों, आप बैठिए, अपने साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए। विचारों का हमारे मस्तिष्क में आना हम चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे, इसलिए विचारों से द्वंद्व करना, उनसे लड़ना छोड़िए, शांत होकर बैठिए। देखिए कि कुछ विचार आपके मस्तिष्क पर आते और जाते रहेंगे, कई विचार आपको तंग करेंगे, कई विचार आपको रुला देंगे, कई विचार आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे, कई विचार आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन फिर भी आप शांत बने रहिए। एक दर्शक की तरह विचारों के आवागमन को आप आते जाते देखिए। आप मूक दर्शक की तरह दूर से जब विचारों को आते जाते देखेंगे तो आपको इन विचारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका मन शांत होते चले जाएगा। इस शांत मन के भीतर ही आपका वो ध्यान छुपा है। ध्यान किसी का नाम लेते रहना या रटते रहना नहीं है, ध्यान है शांत होना। कितने हम शांत हैं, बस यही ध्यान है। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद सा चलता है, कई विचारों के अंतर्द्वंद, करोड़ों विचार, अरबों विचार आते और जाते रहते हैं, जो हम जान सके हैं वो भी और जो हमने नहीं जाना वो भी। वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। वो चलने दीजिए, जितनी गति से वो आते जाते हैं उनको चलने दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए, व्यर्थ में आपकी एनर्जी वर्वेस्ट होगी लेकिन आप ध्यान को नहीं पा सकेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में कोई ध्यान को पा सकें, आप नियमित अभ्यास कीजिए, कोई एक निश्चित समय बांधिए, भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी देर, जितनी भी देर हो सके आप शांत होकर बैठिए। जरूरी नहीं है कि वो कोई शांत इलाका ही हो, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर बैठे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप ध्यान लगाने वाले हैं, ये विचार ही आपको ध्यान की ओर प्रेरित करेंगे। जैसे ट्रैफिक होती है जिसमें बहुत तेजी से गाड़ियाँ आ जा रही है, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई चोट नहीं लगती। ठीक उसी तरह कई विचार आपके सामने से आते जाते रहेंगे, विचारों का कभी भी आवागमन बंद नहीं होता। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है, इसलिए इन विचारों के अंतर्द्वंद में मत पड़िएगा। वास्तव में विचारों का हम बोझ लिए घूम रहे हैं और ये बोझ हमारे ऊपर किसी ने लादा नहीं है, हम स्वयं से ढो रहे हैं। ध्यान की एक छोटी सी प्रक्रिया जिस पर मुझे लगता है कि आपसे मैं बात करूं, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, आप शांत होकर बैठिए, कुछ मत कीजिए, शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करते ही हम अपने भीतर की यात्रा में निकलते हैं और इस भीतर की यात्रा में
आपको विचारों का सामना करना पड़ेगा, मत घबराइए। आपको इसको एक टेक्निकल भाषा में समझाऊं कि जो आपका एक सिम कार्ड होता है, आपका एक मोबाइल होता है, जब चार्ज होता है मोबाइल, उस पर जब आपका सिम कार्ड लगा हो और सही नेटवर्क लगे तभी कहीं कनेक्शन हो पाता है। जहाँ तक मैंने समझा है, मुझे लगता है कि हमारे विचार भी बिल्कुल उसी तरह है, हमारी ध्यान प्रक्रिया भी बिल्कुल उसी तरह है कि किस समय, किस सेकंड, सेकंड की 60,000वें भाग में भी यदि हमारा संपर्क हो जाता है कहीं, तो हमने ध्यान को पा लिया, हमें वो अनुभूति मिल जाएगी। आप घंटों बैठे रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने शांत हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान की प्रक्रिया को अंतिम दो लाइनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ध्यान आप कितना भी कोशिश कर लीजिए लगाया नहीं जा सकता। बस आप शांत होकर बैठिए, अपने अंतर यात्रा कीजिए, विचारों को आने जाने दीजिए, मूक दर्शक की तरह बस आंखें बंद करके उसे अपने सामने से गुजरता हुआ देखिए। और एक क्षण ऐसा आएगा, सेकंड के कई हजारवें हिस्से में कोई पल ऐसा गुजरेगा जब आप किसी ऐसी अनुभूति से गुजरेंगे जो आपको ध्यान की पराकाष्ठा पर ले जाएगा। और ये संभव नहीं है कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, हफ्ते भर, दस दिन, महीने भर में हो, ये कभी भी हो सकता है, ये आपकी लगन के ऊपर है। तो ध्यान को आज मैं बस इतना ही आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर अच्छा लगे तो भी और अच्छा ना लगे तो भी आप मुझसे अपने विचार शेयर करिएगा। मैं एक मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वक्ता के रूप में आपके साथ हमेशा जुड़ा हूँ। नीचे मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, कभी भी लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस हैं उन पर अपने कमेंट भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके जो मैं समझाऊँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।